वेल एकदम सच में अगर मैं बोलूँ तो मैंने एक ही बात बोली थी कि विशाल से दूर रहना। सिद्धार्थ की कुछ अलग ही, उसका कुछ अलग ही पावर है बिग बॉस में, वो दिखता है उस घर में। जो वो बोलते हैं वो करना ही पड़ता है सामने वाले। मतलब 9 बजे उसने बोला मैं घर का कोई काम नहीं करूंगा, 12 बजे वो बर्तन धो रहा था। तो बिग बॉस 13 में मधुरिमा तुली जो है कंटेस्टेंट, इनके भाई मेरे साथ है अभी श्रीकांत। वेलकम टू टेली मसाला। थैंक यू सो मच। वेल, सबसे पहले तो जाना चाहेंगे बहन का, बड़ी बहन मधुरिमा का गेम कैसा लग रहा है आपको? मुझे लगता है पहले वीक में थोड़ी सी वो ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही थी कि कैसा है घर, क्या है, एंड इतने दिनों बाद उसने एंट्री की थी तो वो बहुत डिफिकल्ट था। बट नाउ आई थिंक उसने बहुत अच्छा गेम पकड़ लिया है, अपनी ड्यूटीज़ कर रही है एंड जहाँ पे उसको लड़ना चाहिए वहाँ लड़ रही है। सो इट्स आई थिंक शी इज़ प्लेइंग रियली वेल। अच्छा, आपने क्या एडवाइस दी थी नचपलिए में? हमने देखा ही है विशाल के साथ उनकी जो भी जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी। बिग बॉस का जब कॉल आया उनको, आपको पता था विशाल है अंदर घर में, आपने क्या एडवाइस दिए थे उनको? वेल, एकदम सच में अगर मैं बोलूँ तो मैंने एक ही बात बोली थी कि विशाल से दूर रहना। मैंने यही उसको सजेशन दिया था। बट पता नहीं, जब गेम की बात आती है तो गेम तो खेलना ही पड़ेगा अच्छे से, जहाँ पे जो सदस्य हैं फैमिली के सबसे बात करनी ही पड़ेगी। तो बट मैंने तो यही सजेशन दिया था कि विशाल से दूर रहना। ऐसे क्यों कहा था आपने? बिकॉज आई थिंक उसने जो इंटरव्यू देके वो गए थे विशाल, एंड फिर मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगा कि ही इज़ यूजिंग हर नेम। मतलब वो अपने इस ये केमिस्ट्री जो है उस चीज़ को यूज़ करके अपने लिए हाइप बना रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं, आप भी जाके उनको वही चीज़ दे दो, पॉपुलैरिटी दे दो वही चीज़ का। तो मैं इसीलिए उसको बोला था, एंड ऑल्सो उनकी बातें कुछ मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी जो उन्होंने किया था नचपले के टाइम पे। पर अभी जब हम देख रहे हैं, कभी लड़ाई होती है कभी एक साथ नज़र आते हैं दोनों, हाल ही में देखा हमने उन्होंने किस किया था मधुरिमा ने विशाल को, ये सब देखकर आपको कैसा लगता है? वेल, मैं तो इमोशनली हो गया था जब मैंने देखा, क्योंकि मैं सच बताऊं दीदी की खुशी जहाँ पे वहाँ पे मेरी खुशी है, तो उसको अगर मैंने पहली बार देखा कि वो कितना प्यार करती है, वो जब प्यार करने पे आती है तो शी लव्स हिम रियली अ लॉट। बट उसने जिस तरह से उसको रिएक्ट किया है, मतलब उसने बिल्कुल अच्छे से उस चीज़ को रेसिप्रोकेट नहीं किया, तो वो चीज़ देख के बहुत दिल टूट गया कि मतलब विशाल से बिल्कुल मतलब एकदम मन सा हट गया कि इन्होंने जैसे किया जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया। बट अच्छा ही लगा मुझे, झगड़ा हो रहा था वो बुरा लग रहा था, जब प्यार हो रहा था तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट शायद वो पॉसिबल ही नहीं है। इनकी जो केमिस्ट्री है अभी बिग बॉस के घर में दिख रही है, वेल आपने ऑफकोर्स उनको ऑफ स्क्रीन देखा है इतने टाइम, अभी बिग बॉस के घर में इनकी जो केमिस्ट्री है, कभी लड़ाई कभी प्यार, ये आपको रियल लग रही है फेक लग रही है? बिकॉज हमने हाल ही में देखा कि सलमान ने भी कहा कि ये फेक लग रहा है तुम, आप दोनों का ही रिलेशनशिप जो भी है। उसका लड़ाई तो उसकी डेली होती ही थी, सच में ही होती थी, तो अब यहाँ पे कितना रियल हो रहा है वो मुझे पता नहीं, लेकिन लड़ाई उसकी सच में होती थी। मैं हमेशा इन्वॉल्व नहीं होता था हर लड़ाई में, तो इसीलिए मैं जानता नहीं किस बात पे लड़ाई छिड़ती थी, लेकिन उसकी लड़ाई हर रोज़, उन लोगों की लड़ाई हर रोज़ होती थी, फिर अगले दिन प्यार हो जाता था, अगले दिन लड़ाई होती थी, यही होता रहता था उनका रिलेशनशिप। तो मेरे को तो लगता है कि सच में ही ऐसा हो रहा है, मेरे को तो रियली लग रहा है। आपको लगता है विशाल कभी कभी ओवर रिएक्ट कर लेते हैं? क्योंकि जब हम देखते हैं उनका गेम कैसा लग रहा है, आप यू थिंक कि यू नो हर चीज़ में वो कुछ ज़्यादा थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं? अभी रिसेंटली ही वो एग्रेसिव होना शुरू हुए हैं आई थिंक। पहले तो वो बहुत अच्छे से गेम खेल रहे थे, सबको बड़े अच्छे से मना के रखा हुआ था उन्होंने, पर अभी जब से ये दीदी ने एंट्री मारी है और दीदी के साथ थोड़ा सा उनका अनबन हुआ है, झगड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि सबके साथ उनका ऐसा होता जा रहा है, क्योंकि वो जो उन्होंने शायद बना के रखी थी अपनी इमेज अच्छी सी घर में सबके साथ बना के, वो कहीं ना कहीं खुल गया है राज, तो इसीलिए शायद से मतलब वो गेम ही खेल रहे हैं, वो अच्छा गेम खेल रहे थे, अभी थोड़ा सा एग्रेसिव होने लगे हैं तो उनके अगेंस्ट ही जाएगी वो चीज़ मुझे लगती है। उनके अलावा आप मधुरिमा के अलावा आप किसे देखते हैं टॉप 3 में? सिद्धार्थ शुक्ला डेफिनेटली, सिद्धार्थ शुक्ला, बिकॉज उन्होंने जिस तरह का मतलब अभी तक गेम मैं शुरू से फॉलो नहीं कर रहा था, बट जब से मैंने देखना शुरू किया है सिद्धार्थ की कुछ अलग ही, उसका कुछ अलग ही पावर है बिग बॉस में, वो दिखता है उस घर में। जो वो बोलते हैं वो करना ही पड़ता है सामने वाले को। आसिम भी बहुत लड़ता है, बहुत भिड़ता है, लेकिन बाद में जो सिद्धार्थ बोलता है वही करता हुआ दिखता है। तो मतलब 9 बजे उसने बोला मैं घर का कोई काम नहीं करूँगा, 12 बजे वो बर्तन धो रहा था, तो बिकॉज सिद्धार्थ ने उसको बोला, सिद्धार्थ कैप्टन था। तो सिद्धार्थ एक तो है डेफिनेटली। शहनाज जो है वो बहुत ही स्वीटली अपना गेम खेल रही है, शी इज़ प्लेइंग रियली वेल, शहनाज एक दूसरी है। एंड थर्ड मुझे लगता है कि क्योंकि दीदी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो आई थिंक आसिम ही मुझे थर्ड लगता है सबसे अच्छा। अच्छा, जैसे कि आपने कहा मधुरिमा को, आपने कहा था कि विशाल से दूर रहना, अभी कौन लगता है जिसके साथ मधुरिमा को रहना चाहिए, यू नो उसके साथ रहकर उसकी गेम और बढ़िया हो जाएगी?
आई थिंक सिद्धार्थ सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज कहीं ना कहीं उसको सही से समझने लगी है अच्छे से, तो मुझे लगता है शहनाज से उसको सबसे पहले अभी शहनाज के साथ ही उसको बनानी चाहिए, तो डेफिनेटली सिद्धार्थ भी उसके साइड में हो जाएगा एंड फिर वो गेम में अच्छी तरह से आ जाएगी। राइट, चलिए जाते जाते मधुरमा के फैंस को कुछ कहना चाहेंगे, नहीं मैसेज, और आप घर पे घर के अंदर जाने वाले हो, फैमिली विजिट जब होगा, क्या मैसेज दोगे आप अपनी बहन को? तो अभी ये फैंस को देना है कि अपनी बहन को? ओके, फैंस को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मधुरिमा पूरी तरह से रियल खेल रही है, वो जो है वो वही अब तक है, तो कहीं ना कहीं उसको बनने की ज़रूरत है कि थोड़ा प्रिटेंड करना पड़ेगा, थोड़ी दोस्ती यारी करनी पड़ेगी, अभी तक वो बिल्कुल रियल है, तो आप उसको सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको जानना है कि वो कैसे अपना गेम खेलती है बिग बॉस में आगे, तो प्लीज़ सपोर्ट हर। एंड मधुरिमा दी को मैं यही बोलना चाहूँगा घर पर जाके कि आप अगर आपका झगड़ा होता भी है तो उसके बाद आप बना लो, दोस्ती वापस कर लो, क्योंकि ये यही गेम है कि आपको सबसे किसी से नॉमिनेट नहीं होना है, तो आपको सबके साथ अच्छे से रिलेशन बना के चलना है, जहाँ कुछ गलत हो रहा है वहाँ पे आप स्टैंड लो, बट अदरवाइज और एंटरटेन करो, आप इन्जॉय करो, अपने आप को इन्जॉय करो, जो आप नेचुरली हो, जो आप मेरे साथ भी इतना इन्जॉय करते हो वैसे इन्जॉय करते हो फ्रेंड्स के साथ, वैसे ही वहाँ पर इन्जॉय करो, यही बोलना चाहूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच।